तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर। जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर की वीडियो बनाओ, सो मेरे पीछे खड़ा है ईवी का एट्रियो, जो कि एक नया स्कूटर अभी इन्होंने लॉन्च किया है, जिसका एक टोटल रिव्यू आपको देने वाला हूँ, राइड रिव्यू भी देने वाला हूँ, जो पूरे स्पेक्स के बारे में, फीचर्स के बारे में बताऊँ। सो इस वीडियो को जो एंड तक जरूर देख लेना, बाकी चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो सबसे पहले जो है गाइस, आप की चेक करो, यहाँ पे आपको दो की नॉर्मल मिलती है, वेव की, एंड दो जो है यहाँ पे रिमोट की मिलती है, जो कि स्कूटर के साथ आपको मिलती है। यहाँ पे जो बेस्ट फीचर है वो आपको दिखा देता हूँ स्टार्टिंग में ही। आप जो है रिमोट से ही इसको बंद कर सकते हो, रिमोट से ही जो स्टार्ट कर सकते हो। जो मैं इसको ऑफ करके दिखाता हूँ, तो जैसे ही यहाँ पे अनलॉक का बटन दबाओगे तो स्कूटर जो है यहाँ पे बंद हो जाएगा, एंड जैसे ही आप दोबारा से ये अनलॉक का बटन दबाओगे तो यहाँ पे जो स्कूटर दोबारा से अनलॉक हो जाएगा, एंड फिर जो आप नीचे पावर के बटन से इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं दबाता हूँ इसको, एंड यहाँ पे दो बार आपको ये बटन टैप करना है, और यहाँ पे जो स्कूटर ऑन हो गया है। सो चेक करो, स्कूटर जो है ऑन हो चुका है, एंड यहाँ पे जो सारी DRL लाइट वगैरह सब कुछ ऑन हो चुकी है। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट पे बात करते हैं इसके लाइट्स के बारे में ही। तो यहाँ पे आप चेक करो गाइस, यहाँ पे चार चार आपको लाइट मिलती है LED, दो यहाँ पे हाई बीम की मिलती है, दो जो है आपको लो बीम की मिलती है, और यहाँ पे जो लाइटिंग है नाइट में वो काफ़ी अच्छी है। एंड यहाँ पे आप चेक करो गाइस, साइड में DRLs भी आपको मिलती है, जो कि ऑल्सो काफ़ी शानदार लग रही है। सो यहाँ पे जो लाइटिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा दिया गया है। ऊपर की साइड में आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जो कि दोनों LED में है, जो कि मैं आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो इसका बटन दिया गया है, इसके अलावा नीचे जो आपको पावर की स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगी, एंड यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि ऑल्सो काफ़ी सही लग रहा है। नीचे की साइड में जो है मडगार्ड आपको पूरा ब्लैक कलर में, यहाँ पे आपको ईवी का पूरा स्टिकर मिल जाता है। अभी जो है इस चेक करो, नीचे की साइड में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, ब्रेकिंग सिस्टम जो है काफ़ी अच्छा है, आप वीडियो भी चेक कर सकते हो। पे जो है आपको ईवी का लोगो मिल जाएगा, यहाँ पे भी ईवी का पूरा लोगो आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि डायमंड कट में आपको मिलता है। यहाँ पे आपको डायमंड कट व्हील्स मिल जाते हैं, जो कि ऑल्सो देखने में काफी सही लगते हैं। टायर साइज की बात करूँ तो 90x100 का जो आपको टायर साइज मिल जाता है, जो कि 10 इंचेस के आपको मिलते हैं। यहाँ पे जो है कुछ ऐसे टायर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि काफी सही परफॉर्मेंस देते हैं, टायर जो है ग्रिप वगैरह भी काफी अच्छी देते हैं हाईवे वगैरह पे। तो यहाँ पे जो हाईवे पे चलाई थी, एंड जो है नॉर्मल सिटी में भी चलाई थी, तो ऐसी कुछ जो है प्रॉब्लम नहीं आई, टायर्स जो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। सस्पेंशन की बात करूँ तो यहाँ पे जो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि आप चेक कर सकते हो, जो कि ऑल्सो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लगभग दो बंदे बैठ के जो है इजीली इस पे राइड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 130 kg तक की जो इसकी लोडिंग कैपेसिटी, बट यहाँ पे जो है 150 kg तक हमने ट्राई किया था, तो कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं आई कि स्कूटर जो है ज़्यादा लोड मान गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, स्कूटर जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो अभी जो है साइड में गाइस आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे जो है ऑल्सो आपको रेसिंग एंड जो है ईवी की पूरी स्टिकरिंग देखने को मिलेगी, ग्राफिक्स जो है साइड में आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि ऑल्सो काफ़ी अच्छे लगते हैं। यहाँ पे जो है रेड एंड ब्लैक कलर है, जो कि ऑल्सो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन दिया गया है। यहाँ पे जो पूरा साइड लुक चेक करो, साइड लुक जो है काफ़ी अच्छा है स्कूटर का, एंड देखने में जो है काफ़ी शानदार लगता है ये साइड। तो इसको ऐसी जो है स्कूटर दिखती है साइड से, साइड लुक जो है काफ़ी अच्छा है स्कूटर का। सो यहाँ पे जो है साइड लुकिंग काफ़ी अच्छी है, फ्रंट लुकिंग भी जो है काफ़ी अच्छी, सो ओवरऑल जो है लुक्स काफ़ी अच्छा दिया है, लुक्स जो है काफ़ी स्पोर्टी है, काफ़ी शार्पी डिज़ाइन है। सो ऐसा स्कूटर जो है मैंने तो अभी तक मार्केट में देखा नहीं था। बाकी आप बताओ, इसके जो हर एक कंपोनेंट आपको काफ़ी स्पोर्टी लगेंगे, रियर में आप चेक कर सकते हो, फ्रंट में चेक कर सकते हो, पूरा जो है काफ़ी स्पोर्टी इसको लुक दिया गया। तो इसी भी बात करती है इसके सेंटर कंसोल के बारे में, सेंटर में आपको क्या कुछ मिलता है वो भी आपको दिखा देता हूँ। पहले जो है गाइस, अभी मैंने इसको ऑन कर रखा है, जो कि रिमोट से मैंने आपके सामने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे जो इसका पूरा मीटर कंसोल आप चेक करो, यहाँ पे जो आपको साइड डिटेल मिल जाएगी, जैसे अभी मैं इसको थोड़ी सी रेस देता हूँ पार्किंग मोड से हटा के, तो यहाँ पे जो आपको RPM मीटर मिल जाता है साइड में, जो पूरा राउंड ये बना हुआ, इसमें जो आपको RPM मीटर मिलेगा, बीच में स्पीडोमीटर, ऊपर जो हाई बीम की लाइट मिल जाती है, नीचे जो आपको बैटरी वोल्टेज दिखाएगा, 75 वोल्टेज जो है यहाँ पे दिखा रहा है, एंड ऊपर की साइड में बैटरी लेवल, एंड यहाँ पे पूरा ओडोमीटर जो आपको स्टार्टिंग में दिखाएगा, बाद में जो ओडोमीटर यहाँ पे शो नहीं करेगा, यहाँ पे कोई भी बटन नहीं मिलता आपको ओडोमीटर का, बिकॉज यहाँ पे आप रीसेट इसको नहीं कर पाओगे, एंड यहाँ पे आप जब इसको स्टार्ट करोगे तो आपको ओडोमीटर दिखेगा, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि कैसे आपको की से भी ऑफ कर सकते हैं, एंड जो है रिमोट से भी आप इसको ऑफ कर पाओगे। मैं जो ऑफ करके दिखा देता हूँ आपको, ऑफ कर दी, अभी जो है दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे जो मैंने स्टार्ट की, तो यहाँ पे जो आप रीडिंग चेक कर पाओगे, 95 किलोमीटर जो है मैं इसको ड्राइव कर पाया हूँ, राइड कर पाया हूँ, एंड यहाँ पे जो है 95 किलोमीटर्स में काफ़ी अच्छी रेंज मिली है। मैंने जो है इसको सिर्फ सेकंड टाइम इसको चार्ज किया है, जब ही आया था तो फुल बैटरी थी इसकी, एंड फुल बैटरी के बाद लगभग जो है मैंने इसको 70-80 किलोमीटर जो है चलाया था, एंड उसके बाद जो है डेड हो गया था, दोबारा से मैंने जो आज फुल चार्ज इसको किया, एंड लगभग जो है 10-15 किलोमीटर और इसको चला लिया है। सो अभी भी जो है फुल बैटरी है यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो है आपको दिखा दूँ, इस बटन से जो है मोड चेंज कर सकते हो, 1, 2, 3। सो यहाँ पे जो है तीन मोड्स आपको मिल जाते हैं,
टू एंड जो है ये थ्री। तो यहाँ पे जो तीन मोड्स आपको मिलते हैं, इन मोड्स का क्या काम है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट मोड में जो इसकी स्पीड रहेगी लगभग 35 के अराउंड, सेकंड मोड में जो 40 के अराउंड एंड जो है थर्ड मोड में 45 से 50 के अराउंड। कुछ इसकी टॉप स्पीड होने वाली इन मोड्स के हिसाब से माइलेज मतलब जो है रेंज क्या होगी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट मोड में जो है लगभग 80 तक की आपको रेंज देने वाली है सिटी में, एंड जो हाईवे पे आपको दोनों में काफ़ी अच्छी जो है रेंज मिल जाएगी। सेकंड मोड होने वाला है इसका, जैसे कि मैं अभी मोड स्विच कर देता हूँ यहाँ पे सेकंड में, सेकंड मोड में जो है आपको रेंज देगी वो देगी लगभग 70-80 की आपको हाईवे पे मिलेगी, एंड जो सिटी में मिलेगी वो मिलेगी लगभग 60-70 की। जो थर्ड मोड है जिसमें कि आपको सबसे ज़्यादा स्पीड मिलती है उसमें जो आपको हाईवे पे मिल जाएगी लगभग 70 तक की, एंड सिटी में आपको लगभग जो है 50-60 की। ये कुछ जो है इसकी पूरी रेंज सिस्टम होने वाली है। एंड गाइज इसका जो है एक मेन फीचर आपको दिखाना चाहूँगा जो कि है इसका सिक्योरिटी फीचर। यहाँ पे यदि आप स्कूटर को लॉक कर देते हो और उसके बाद जो है लॉक का बटन आप प्रेस करोगे, जैसे कि अभी जो स्कूटर ऑन है तो मैं इसको जो है बंद कर देता हूँ, यहाँ से इसको लॉक करूँगा। सभी जो है मैंने स्कूटर को लॉक कर दिया और अभी इसको कोई भी टच भी करेगा तो यहाँ पे जो सायरन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपके स्कूटर को कोई टच कर रहा है। सो गाइस अभी जो है डेमो दिखा देता हूँ आपको कि कैसे जो है वर्क करता है। अभी जो है स्कूटर के मैं हिलाता हूँ तो स्कूटर का जो है सायरन ऑन हो जाएगा, ये देखो। तो आपने देखा ऐसे जो इसका सायरन ऑन हो जाता है। सो ये जो है काफ़ी सही सिक्योरिटी फीचर इस स्कूटर में दिया गया है। सो यहाँ पे जो है आपको रेंज अच्छी खासी मिल जाएगी, एंड यहाँ पे जो है गाइस इसको चार्ज होने में लगते हैं लगभग 5 से 6 घंटे, जिसमें कि फुल चार्ज ये हो जाता है, एंड जिसमें आपकी लगभग 2 से 3 यूनिट्स जो है लगती है। सो लगभग 30 रुपीज़ में आप चला सकते हो उस स्कूटर को, 25 से 30 रुपीज़ में आप स्कूटर को चला पाओगे लगभग 80-90 किलोमीटर। सो काफ़ी अच्छी जो है रेंज यहाँ पर मिल जाती है हमें। एंड अभी बात कर लेते गाइस इसके नीचे की साइड में, सो यहाँ पे जो आपको पूरा स्पेस मिलता है 1 लीटर की जो बोतल आप यहाँ पे इजीली रख पाओगे, एंड इधर की साइड में भी जो आपको 1 लीटर का पूरा स्पेस मिल जाए तो ये जो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे जो आप अपना कोई भी सामान वगैरह टांग सकते हो, तो ये जो आपको यहाँ पे हुक मिल जाए। सभी जो स्पेस आपको चेक करा देता हूँ एक बार, जो कि प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे जो लगभग 1.5 लीटर तक की बोतल मैंने डाली हुई, लेकिन अभी जो आपके सामने 1 लीटर की बोतल यहाँ पे रख के दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो लगभग 1 लीटर का स्पेस जो आपको इधर मिल जाता है, एंड 1 लीटर का ही जो आपको इस साइड में भी मिल जाता है। तो यहाँ पे भी जो आप रख पाओगे, बट यहाँ पे जो इतनी अच्छे से फिट नहीं होती, तो यहाँ पे जो आप इजीली एक बोतल रख सकते हो लगभग 1.5 लीटर तक की, तो स्पेस जो आपका अच्छा खासा मिल जाता है। एंड उसके अलावा जो है गाइस यहाँ पे आपको चार्जर मिल जाता है यूएसबी टाइप, जिससे कि आप डाटा केबल वगैरह कनेक्ट करके अपना फ़ोन को जो है चार्ज कर पाओगे। सो यहाँ पे जो चार्जर भी आपको इस स्कूटर में मिल जाता है, चार्ज लगा के आप जो है इजीली अपने फ़ोन को जो है यहाँ पे रख सकते हो नीचे की साइड में। सो अभी जो है बटन्स के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे जो आपको हाई बीम लो बीम का बटन मिल जाता है, यहाँ पे जो इंडिकेटर का आपको बटन मिल जाता है, यहाँ पे हॉर्न का मिल जाता है, हॉर्न आपको दिखा देता हूँ। इधर की साइड में जो आपको ये हैजार्ड का बटन मिल जाता है, जो कि ऑल्सो काफ़ी अच्छा फीचर है। यहाँ पे जो आपको लाइट वगैरह का DRL वगैरह का जो पूरा कंट्रोल मिल जाता है। अभी जो है आप यहाँ से फर्स्ट स्टेप में जो है आप DRL ऑन कर पाओगे, सेकंड में जो आप हेडलाइट ऑन कर पाओगे। नीचे की साइड में जो आपको पार्किंग का बटन मिल जाता है, जिससे कि आप मोड चेंज कर पाओगे, जैसे कि अभी मैंने पार्किंग मोड में डाल दिया है। दोबारा से इसी बटन को क्लिक करूँगा, सो यहाँ पे जो है ये स्पीड में जो है आपको दिखाएगा, यहाँ पे स्पीड शो करेगा, मतलब जो है अभी ये न्यूट्रल से हट चुका है, पार्किंग से हट चुका है, आप इसको जो है राइड कर पाओगे। यहाँ पे आपको मोड का बटन, एंड यहाँ पे जो इसके हैंडल्स है इसकी साइड में जो है आपको सिल्वर की फिनिशिंग देखने मिलेगी, सिल्वर कलर की, जो कि ऑल्सो काफ़ी प्रीमियम बनाती है स्कूटर को। उसके अलावा जो है लीवर्स आपको मिल जाते हैं दोनों साइड में, ब्लैक कलर में आपको पूरे लीवर्स मिलेंगे। ORVMs जो आपको मिल जाते हैं, मतलब जो है आपको यहाँ पे मिरर्स मिल जाते हैं, काफ़ी स्पोर्टी है जो कि ऑल्सो। सो यहाँ पे जो कुछ ऐसा इसका पूरा फ्रंट है, एंड यहाँ पे जो है आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है बीच में, जो कि आप अपना सामान छोटा मोटा रख पाओगे इजीली। एंड यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, सो यहाँ पे जो है ये इसका चार्जिंग सॉकेट है। उसके अलावा यहाँ पे डिज़ाइन बनाया गया है, जिससे कि और थोड़ा स्पोर्टी फील आए स्कूटर को। एंड यहाँ पे जो है ये फुट पैड्स मिल जाते हैं आपको, अलग से जो है नहीं दिए गए हैं, इसके अंदर इंटीग्रेटेड आपको मिलेंगे। यहाँ पे जो पूरा EV एट्रियो का आपको स्टिकर देखने मिलेगा। उसके अलावा जो है अभी रियर की साइड में चलूँ, तो रियर की साइड में जो आपको यहाँ पे रेसिंग की स्टिकरिंग देखने मिल जाएगी। एंड टेल लाइट्स भी जो इसकी काफ़ी प्यारी है, नाइट में जो और भी अच्छी लगती है। पे आप चेक करो पूरा जो LED सेटअप है, कहीं पे भी जो है हैलोजन का यूज़ यहाँ पे नहीं किया गया है, पूरा जो है आपको LED में सिस्टम देखने को मिलेगा। इसका पूरा जो लाइटिंग सिस्टम वो पूरा LED में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी आप चेक कर सकते हो LED जो इसकी टेल लाइट, एंड अभी जो है DRL भी आप चेक कर पाओगे। सो यहाँ पे जो आप चेक कर सकते हो कुछ ऐसी जो है डे टाइम में दिखती है, एंड नाइट टाइम में जो अभी आप चेक कर पा रहे हो।
एंड गाइस पीछे जो आपको रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है ना कि डिस्क ब्रेक। सो यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं मिलता बिकॉज यहाँ पे जो आपको हब मोटर मिलती है तो यहाँ पे सिर्फ जो आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा, लेकिन परफॉर्मेंस जो इस ब्रेकिंग की काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे जो आपको सेम टायर साइज रियर में मिल जाता है, लगभग 90/100 का जो आपको रियर में टायर साइज मिल जाता है। सो एक कुछ जो इसका टायर साइज होने वाला है, उसके अलावा जो है यहाँ पे भी आपको डायमंड कट जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड यहाँ से जो है आपको बैटरी भी देखने को मिलेगी, आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपको बैटरी मिल जाती है जिसके बारे में आगे बात करेंगे। एंड यहाँ पे आपको नंबर प्लेट के लिए यहाँ पे जगह मिल जाती है, बट यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे जो इसकी स्पीड लिमिट काफ़ी सही रखी गई है। सो जो आपको यहाँ पे कोई नंबर प्लेट वगैरह की जरूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन की जो है यहाँ पे जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे आप जो इसको नॉर्मली चला पाओगे अपने सिटी वगैरह में, हाईवे वगैरह पे तो जो है शायद अलाउड नहीं है, बट जो है फिर भी आप इंडिया में जो है चला सकते हो, इंडिया में जो ऐसी कुछ दिक्कत आपको नहीं आएगी। सो यहाँ पे जो है आपको नंबर प्लेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, कुछ जो है पूरा मडगार्ड मिल जाता है, यहाँ पे जो कार्बन फाइबर टाइप जो है ट्रीटमेंट किया गया है जो कि स्टिकरिंग है। पीछे की साइड में जो होगा इस पूरी सीट मिल जाती है आपको सिंगल सीट, एंड यहाँ पे आपको ग्रैबरियल्स मिल जाती है जो कि ऑल्सो काफी स्पोर्टी दी गई। अभी जो है आपको इसका सीटिंग स्पेस दिखा देता हूँ कि सीट के नीचे जो आपको कितना स्पेस मिलता है। सभी जो है मैं ऑन करता हूँ इसको, की से जो आपको ऑन करनी पड़ेगी, एंड यहाँ पे आपको रिमोट से इसको ऑन नहीं कर पाओगे, यहाँ पे जो आपको की जरूरत पड़ेगी। एंड आपको जो है ऑन करके दिखा देता हूँ, आपको जो है ये लेफ्ट साइड में जो है मूव करनी है। एंड यहाँ पे जो सीट ओपन हो चुकी है अपनी, सो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ स्पेस। सबसे पहले तो जो है गाइस आपको यहाँ पे स्पेस काफ़ी अच्छा मिलेगा, नो डाउट। आप जो है हेलमेट भी चेक कर पा रहे हो, यहाँ पे जो मैंने एक हेलमेट रखा हुआ है, ऊपर से जो इसका चार्जर रखा हुआ है जो कि चार्जर आप चेक कर सकते हो, जैसा जो है पूरा इसका चार्जर है, यहाँ पे चेक करो, ये जो आपको चार्जर मिल जाता है। एंड नीचे की साइड में जो है MCB का भी ऑप्शन मिल जाता है, यदि आप कहीं पे जा रहे हो मतलब 2-3 दिन के लिए आप कहीं बाहर जा रहे हो या फिर जो है कुछ ज़्यादा टाइम के लिए। सो यहाँ पे जो अपने स्कूटर को आप ऑफ कर सकते हो एंड आपकी बैटरी जो है बिल्कुल भी डाउन नहीं होगी। सो यहाँ पे जो सारे फीचर्स आपके इसके अंदर मिल जाते हैं। अभी बात करते हैं इसकी पावर के बारे में, मोटर के बारे में एंड जो है बैटरी के बारे में। बैटरी जो है यहाँ पे आपको 72 वोल्ट की मिल जाती है, और गाइस जो इसमें पावर मिलती है वो मिलती है आपको लगभग 230 वाट की जो आपको पावर मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी पावर है। सो यहाँ पे जो है पावर में कोई भी कमी नहीं है। सो स्कूटर जो है एक तरह से काफ़ी सही है, काफ़ी सही पैकेज जो है कम। तो यहाँ पे जो स्कूटर की प्राइस रखी गई है वो है लगभग 65,000 में जो आपको स्कूटर मिल जाएगा। तो चलिए इसको एक छोटी सी राइड पे ले चलते हैं अभी, एंड राइड पे जो है ज़्यादा लंबी राइड नहीं करूँगा बिकॉज ज़्यादा कुछ इसमें दिखाने के लिए है नहीं। सो छोटी सी राइड लेते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको क्या कुछ जो आपको इसमें दिखता है जब आप इसको राइड करोगे, मतलब क्या कुछ आपको एंड कैसा क्या कुछ जो एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, सो वो जो है एक बार दिखा देता हूँ। सो चलिए अभी इसको ऑन कर लेते हैं, जो एक छोटी सी राइड पर ले चलता हूँ मैं इसको। सो अभी जो है मैं स्टार्ट करता हूँ। सो यहाँ पर आप चेक करो गाइस, एक्सपीरियंस जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी साइलेंट स्कूटर है, ज़्यादा जो है यहाँ पर साउंड वगैरह किसी चीज़ की नहीं आती। यदि आप पेट्रोल स्कूटर या पेट्रोल बाइक या फिर जो है कार वगैरह कुछ भी पहले चलाते थे और एकदम से आप इस स्कूटर को फर्स्ट टाइम चलाओगे, सो शायद जो है आपका दिल इस स्कूटर पे आ जाने वाला है, बिकॉज यहाँ पे जो काफ़ी साइलेंट किलर है ये स्कूटर, एंड चलाने का जो है अलग ही अंदाज है इसका। सो यहाँ पे जो है जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम चलाया था तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, एंड मेरे को जो है काफ़ी अच्छा लगा था। तो यहाँ पे आप चेक करो, फर्स्ट मोड में जो है लगभग 13 की स्पीड चला रहा हूँ अभी, एंड अभी जो मैं थोड़ा सा इसको रेव करके देखता हूँ कितनी स्पीड जो है पकड़ पाता है फर्स्ट मोड में। सभी जो है चेक कर सकते हैं, गड्ढों में भी जो है कोई दिक्कत नहीं आई, काफ़ी सॉफ्ट सस्पेंशन जो है यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, आपको जो है ज़्यादा बम्प्स वगैरह फील नहीं होने वाले, सस्पेंशन जो है काफ़ी अच्छे यूज़ किए गए हैं यहाँ पे। सो गाइस ये है इसकी फर्स्ट मोड में टॉप स्पीड लगभग 35 के अराउंड। अभी जो है मैं मोड को शिफ्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो सेकंड मोड में चेक करते हैं कि सेकंड मोड में जो है कितना बकता है। सो लगभग जो 40 अराउंड जा रहा है सेकंड मोड में, अभी ट्राई करता हूँ मैं थर्ड मोड में। थर्ड मोड में जो है एकदम से बहुत फास्ट ये चल रहा है। तो गाइस आपने देखा लगभग जो है 43 के अराउंड जो इसकी टॉप स्पीड गई थी थर्ड मोड में। सो यहाँ पे जो मैंने एक टर्न लिया है, टर्निंग रेडियस भी जो काफ़ी अच्छी है, एंड अभी जो थर्ड मोड में ही है, फिर से एक बार भगा के देखता हूँ।
सो इस आपने चेक की लगभग जो 47 के करीब अभी जो है गया था, सो हवा का जो है थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है, सो लगभग जो 47-48 हाईएस्ट जो है 40 या फिर जो है 50 के अराउंड जो है इसकी जाएगी स्पीड, हाईएस्ट जो है लगभग 50-55 की स्पीड जा सकती है। वो जो आपके वेट पे डिपेंड करता है कि आपके जो है कितना वेट है आप में, सो वो जो है वेट पे डिपेंड करेगा सारा। सो यहाँ पे जो मेरा वेट है लगभग 80 केजी का अराउंड, सो 80 केजी में जो है लगभग 47 के अराउंड जा रहा है। तो आप मान के चलो यदि कोई 50-60 केजी का बंदा इसको जो राइड करता है तो ईजिली जो है 50 की स्पीड आपको मिल जाएगी। सो गाइस यहाँ पे जो है आपको राइड एक्सपीरियंस जो है काफ़ी अच्छा मिलेगा, ब्रेकिंग वगैरह जो है काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे मेरे को कोई दिक्कत इस स्कूटर में लगी नहीं। जो एक नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि जब आप इसको स्टैंड मोड में डालोगे, मतलब जब आप इसका स्टैंड लगाओगे तो इसका जो है पावर तब भी वर्क करता है। यदि तब भी आप रेस देते हो इसको पार्किंग मोड से हटा के तो भी जो है ये स्कूटर आगे चलेगा। सो यदि इसका स्टैंड वाला फीचर हो जाता है कि यदि स्टैंड में जो है बाइक बंद हो तो शायद काफ़ी अच्छा होता, बिकॉज़ मेरे साथ जो है एक बार हो चुका है ऐसा सीन, बिकॉज़ मैंने एक बार साइड में जो स्टैंड लगा के खड़ी कर रखी थी एंड जैसे ही मैंने इसका टोटल जो है घुमाया तो बाइक जो है एकदम से आगे गई। सो वो जो है एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट लगा जो कि कंपनी को इस पे वर्क जो है करना चाहिए। बाकी यही एक थी छोटी सी राइड एक्सपीरियंस जो है मेरा काफ़ी सही है। बात कर लेते कि आप जो इसको ऑर्डर कैसे कर पाओगे, तो ऑर्डर करने के लिए जो है नंबर मैंने दे दिया, जाके आप ऑर्डर कर सकते हो। एंड यदि आपको ऑनलाइन ये चेक करना है इसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह, सो नीचे जो मैंने इनकी वेबसाइट का लिंक दे दिया, आप जाके जो है वहाँ से भी चेक कर पाओगे। बाकी यही एक छोटा सा रिव्यू था इस स्कूटर का जो कि काफ़ी अच्छा स्कूटर लगा मेरे को। लगभग 95 किलोमीटर में इसको चला चुका हूँ लेकिन मेरे को जो है कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। सो काफ़ी सही स्कूटर आप बाय कर सकते हो एंड 65,000 जो इसकी प्राइस है। सो आप जो इसको बाय कर सकते हो, नीचे जो है लिंक दे दिया है। बाकी यही ये कुछ आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।